नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़। दिल्ली आसपास के राज्यों में किसान के आंदोलन को एक साल के दौरान लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापक का नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा राजमार्ग अवरोध होने के कारण, माल की आवक जावक के परिवहन में कठिनाइयों के कारण यह व्यावसायिक हानि मुख्य रूप से नवम्बर दिसंबर साल 2020 जनवरी 2021 के महीनों में हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, ऑल इंडिया ट्रांसफर वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों के कारण फरवरी से जुलाई साल 2021 के महीनों में माल की ढुलाई तेज हुई। विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी नवंबर साल 2020 से देश भर में आपूर्ति श्रृंखला जारी रही। आवश्यक वस्तु की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि अन्य राज्यों से दिल्ली, दिल्ली से अन्य राज्यों से सामग्री लेने जाने वाले ट्रक वाले राजमार्गों के अलावा शहरों, गांवों और अंदरूनी हिस्से से दिल्ली आने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने गए थे। वहीं कैट ने कहा है कि नुकसान के आंकड़े विभिन्न राज्यों में CAIT के अनुसंधान शाखा द्वारा प्राप्त इनपुट पर आधारित है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाला ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल वापस लेने जाने के बाद किसानों द्वारा आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। एक के बाद एक मांग रखना नाजायज है, और इसी तरह से अगर मांगे मान ली जाती हैं तो देश को ये मान लेना है कि भीड़ तंत्र के कारण लोकतंत्र समझौता कर रहा है। राजनीतिक दल जो इस प्रकार की आंतरिक मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वो ये ना भूले कि देश के सभी लोग उनके कृत्यों को देख रहे हैं और उनके निकट भविष्य में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसानों के अलावा मतदाताओं को एक बहुत बड़ा वर्ग है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने के लिए किसानों को पूरी तरह से माफ करने के निर्णय की देश भर में आलोचना हो रही है। इसका एक कदम ऐसा माना जा रहा है जो कानून लोगों को स्वास्थ्य के खिलाफ, जिसकी किसी चुनी हुई सरकार से उम्मीद नहीं की जाती। ये लोकतंत्र का बंधक बनाने के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय एम खंडेलवाला ने कहा है कि नवम्बर दिसंबर साल 2020 जनवरी 2021 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को आपूर्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। किसानों द्वारा दिल्ली की ओर से जाने वाले राजमार्गों को अवरोध होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से माल का परिवहन भी प्रभावित हुआ है। इन राज्यों से आने वाली प्रमुख वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिट्स, हार्डवेयर, ऑटो स्पेयर पार्ट, मशीनरी ले, पाइप पाइप फिटिंग, कृषि उपकरण, उपकरण फर्निशिंग, फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स, आयरन भी शामिल है। स्टील, लकड़ी, फायरवुड, खाद्य तेल, पैक्ड सामान सामान्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय खंडेलवाला ने यह भी कहा है कि देश भर के विभिन्न राज्यों को प्रतिदिन लगभग 50,000 ट्रक माल लेकर दिल्ली आते हैं। करीब 30,000 ट्रक दिल्ली से दूसरे राज्यों में माल ढोते हैं। चूँकि दिल्ली में ना तो कृषि प्रधान राज्य है और ना ही एक उद्योग की राज्य है, इसे अपने सदियों पुराने व्यापार की वितरण नामक स्वरूप के बनाए रखने के लिए माल की खरीद बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे दिल्ली किसान आंदोलन का प्रमुख पीड़ित है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।